नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं ग्लेच का कुछ रिलेटिव जानकारी के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ग्लेच बिजनेस में सक्सेस होना चाहता है, ग्लेच बिजनेस में काम करके बड़ा बनना चाहता है। ग्लेच बिजनेस में बहुत सारे लोग बहुत से जगह से आते हैं, उन सब का टारगेट एक ही होता है, ग्लेज बिजनेस में सक्सेस होना। हर कोई ग्लेज बिजनेस में सक्सेस होना तो चाहता है, लेकिन कुछ लोग ग्लेज में फेलियर होकर चला जाता है। ऐसे क्यों दोस्तों, आप लोग ही बताइए। आज हम आप सभी को एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कहानी कैसे लगी। अभी नहीं करना दोस्तों, पहले स्टोरी सुन लीजिएगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक भूखा लोमड़ी ने अंगूर के बगीचे में जा पहुंची। पेड़ पर पके हुए अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। यह देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। मुंह ऊपर की ओर देखकर उसने अंगूर पाने की कोशिश की, पर वह सफल ना हो सकी। अंगूर काफ़ी ऊंचाई पर थे, उन्हें पाने के लिए लोमड़ी खूब उछली, फिर भी वह अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। वह उछलते उछलते पूरी तरह थक गई, फिर भी उछलती रही। आखिरकार थक कर उसने उम्मीद छोड़ दी और वहां से चली गई। दोस्तों, आप लोग इन बातों को ध्यान से समझिएगा। जाते जाते उस लोमड़ी ने एक बात कहा, अंगूर कट्टा है। क्या कहा दोस्तों? अंगूर कट्टा है, ऐसे कट्टे अंगूर कौन खाता है, उस लोमड़ी ने कहा। तो दोस्तों, हम ग्लेज बिजनेस में काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर देखने को मिलेगा। हम उस लोमड़ी की तरह नहीं बनेंगे दोस्तों। चाहे जितनी मुश्किल परेशानियां आए, हम जिसे पाना चाहते हैं उसे पाकर ही रहेंगे। जब तक सक्सेस मिलेगा नहीं, तब तक उस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे दोस्तों। हर कोई उस लोमड़ी की तरह बनते हैं जो सक्सेस नहीं मिलने पर उम्मीद छोड़ देते हैं। हमें दशरथ मांझी की तरह बनना है दोस्तों। दशरथ मांझी ने एक बात कही थी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। हमें भी वही करना होगा दोस्तों। जब तक सक्सेस नहीं मिलेगा, तब तक उस जगह को छोड़कर नहीं भागना। दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए ऑल चेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखे हैं। तो दोस्तों, आज का ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।